जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज अपने धोरण पांचमा विषय हिंदी भणीशू। उसमें सातवा पाठ है खाना खजाना, लेके अपने रसोड़ा ने यहाँ बात करेली छे। आ एक चित्र पाठ छे, लेके अपने गुजराती में आपेलू होय छे ने के चित्रों अने एनु वर्णन करवानु होय छे, पण अहीं एक चित्र आपेलू छे अने एने नीचे प्रश्नों आपेला छे। चित्र ने समझवानु छे अने चित्र समझ्या पछी ते प्रश्नोना जवाब तमारे आपवाना छे। तो जुओ, अहीं पेज नंबर 38 ऊपर एक चित्र आपेलू छे सरस मजानुं रसोड़ानुं। तो यह रसोई घर का चित्र है। माता रसोई बना रही है, लड़का खाना खा रहा है, दादी माँ किताब पढ़ रही है, खिड़की के बाहर आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं, रसोई घर में कई सारे बर्तन दिए हुए हैं, रसोई घर के चूल्हे के पास एक मटका भी है। तो अब हम इस चित्र के आधार पर कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, माता रसोई घर में क्या कर रही है। माता रसोई घर में क्या कर रही है, मतलब कि माता रसोड़ा में शू कर रही छे। तो माता रसोड़ा में रसोई बना रही छे। माता रसोई घर में रसोई बना रही है। दूसरा सवाल, दादी माँ क्या कर रही है, दादी माँ शू कर रहा छे। तो उसका जवाब आएगा, दादी माँ किताब पढ़ रही है, दादी माँ चौपड़ी वाँची रहा छे। तीसरा सवाल, लड़का क्या कर रहा है, छोकरो शू कर रहे छे। तो उसका जवाब आएगा, लड़का खाना खा रहा है, छोकरो खावानू खाई रहे छे। चौथा सवाल, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है, ये सब बर्तन है उसके बारे में पूछा है, रसोड़ा में कया कया वासणों छे। तो उसका जवाब आएगा, रसोई घर में मटका, थालिया, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, गिलास, पतीली आदि बर्तन है। रसोड़ा में माटलू, थालियों, डब्बा, चमचियों, चमचा, बरणी, ग्लास, तपेली वगैरह वासणों छे। पांचवा प्रश्न आएगा, टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है, लेकिन टोपली में कई शाकभाजी अने कया फलों छे। टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, करेला जैसे सब्जियां और पपीता, अंगूर, सेब, केले जैसे फल है, लेके टोकरी में लेके टोपली में बटाका, दूधी, भिंडा, फुलेवर, कोबीज, करेला जीवी शाकभाजियों अने पपैयू, द्राक्ष, सफरजन, केड़ा जेवा फल छे। उसके बाद आता है छठा प्रश्न, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन बारीनी बार शू जोवा मळे छे। खिड़की से बाहर आकाश में बादल दिखाई दे रहा है, એટલે કે બારીની બહાર આકાશમાં વાદળ જોવા મળે છે। उसके बाद आता है सातवा प्रश्न, आलमारी के डिब्बों में क्या क्या है, એટલે કે કબાટમાં જે ડબ્બા છે એમાં શું શું છે। आलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले भरे हुए है, लेके कबाटना डब्बा में अथाणु, तेल, दाल अने मरचू मसाला भरेला छे। उसके बाद आता है आठवां प्रश्न, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है, लेके तमारा रसोड़ा में એવી કઈ કઈ વસ્તુઓ છે જે આ રસોડામાં આપેલી નથી। જવાબ આવેગા, હમારે રસોઈ ઘર મેં ફ્રીજ, એક્વાગાર્ડ, સ્ટેન્ડી કિચન હૈ જો ઇસ રસોઈ ઘર મેં નહીં હૈ, એટલે કે અમારા રસોડામાં ફ્રીજ, એક્વાગાર્ડ અને ઊભું રસોડું આપણે કહીએ છીએ તે છે જે આ રસોડામાં નથી। ઉસકે બાદ આતા હૈ નવમા પ્રશ્ન, माता कहाँ बैठी है, लेकिन माता क्या बैसी छे। माता चूल्हे के पास बैठी है, माता रसोड़ा में चूल्हा ने पासे बैसी छे, लेकिन गैस ने पासे बैसी छे। तेना पछी
आपको क्या पसंद है क्या नहीं है वो है जो निशान ही करना है यहाँ खाने में। आपको क्या पसंद है क्या नहीं खाने में सही का निशान करो। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, जो आपको पसंद हो वहाँ पर सही का निशान, और जो पसंद नहीं है वहाँ पर कुछ भी करना नहीं है। चित्र देखकर करना है, लिखना नहीं है। उसके बाद चौथा और पांचवा प्रश्न है, वह भी सिर्फ समझ नहीं है। और पांचवा प्रश्न है उसमें है एक कहानी, तो कहानी में आपको समझाता हूँ। कहानी का शीर्षक है एकता में ही, एकता में बड़ी ताकत, लेकिन एकता में खूब ज ताकत हो। हरिपुरा नामक एक गांव था, वहाँ एक किसान रहता था, उनका नाम सामू चाचा था। चाचा के सात बेटे थे जो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। यह देखकर चाचा बहुत चिंतित थे। चाचा के बार बार समझाने पर भी सातों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन चाचा ने कुछ सोचकर सातों बेटों को बुलाया। उसमें से बड़े बेटे को लकड़िया का गट्ठर लाने को कहा। चाचा ने बेटों को गट्ठर तोड़ने को कहा, कोई तोड़ नहीं पाया। चाचा ने उस गट्ठर को खोलकर उसमें से एक एक लकड़ी सातों बेटे को दी और उसे तोड़ने को कहा। सभी लकड़ियाँ तोड़ डाली। चाचा ने लकड़ी के माध्यम से सातों बेटे को सीख दी कि जब तुम सातों मिलजुल कर एक साथ रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ते झगड़ते रहे तो कमजोर बनोगे। एकता में बड़ी ताकत होती है। उसी दिन से सातों भाई साथ मिलजुल कर रहने लगे। चाचा बहुत खुश हुए। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है देखिए। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके बाद स्वाध्याय में एक प्रश्न आता है, यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, लड़का और लड़के, एक वचन का बहुवचन करना है। तो लड़का का क्या होगा लड़के, पुस्तक का क्या होगा पुस्तके, कमरा का कमरे, पंखा का पंखे। अब इस शब्दों को आपको वाक्य में परिवर्तन करना होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज बोर्ड पर लखावेलू छे ते नोटबुक में सारा अक्षरे तमारे लखवानू रहेशे। वार्ता छे ते समझवानी छे, अने आ एक वचन अने बहुवचन छे ए पण समझवानू ज छे, लखवानू नथी। परीक्षा में पूछाय तो समझी विचारीने तमारे लखवानू रहेशे। नेक्स्ट लेक्चर में फरीवार मळीशुं, ત્યાં સુધી આવજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।